हाय फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में। ये जो वैकेंसी आई है, आप देख सकते हैं, इसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में आई हुई है और रिफाइनरी डिवीज़न में आई हुई है। अगर हम बात करें इसमें नेम ऑफ पोस्ट की, तो जो पहला पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन की, जिसमें टोटल 33 सीटें हैं। दूसरी पोस्ट जो है वो है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट की, उसमें दो पोस्ट हैं। दूसरा जो है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट जूनियर टेक्नीशियन की, इसमें भी दो पोस्ट हैं। आगे अगर हम बात करें इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की, तो इसमें अगर आप जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए भरना चाहते हैं, तो इसमें आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल या रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल, या आपके पास BSc होनी चाहिए, साथ में 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। दूसरा जो पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल फीटर कम रिगर, तो इसमें आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और इसमें साथ में ही आपके पास 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा जो है वो है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, इसमें भी 3 ईयर डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए, साथ में 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर हम बात करें आपकी एज की, तो इसमें मिनिमम जो आपका एज होना चाहिए वो 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज आपका 26 साल होना चाहिए। आगे अगर हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद आपका स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट आपका होगा। ऐसे मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें जो होगा आपको 40% होगा, और साथ में जो ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे आपका फिजिकल टेस्ट के लिए स्किल टेस्ट के लिए, वो 1:2 में करेंगे। बात करें इसके एप्लीकेशन फ़ी की, तो इसमें आप अगर जनरल EWS या OBC कैंडिडेट हैं, तो आपको 150 रुपया ऑनलाइन फीस पेमेंट करना होगा। और साथ में बात करें हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में क्या करना, अप्लाई करने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको इसमें दिया गया है, इसमें पोस्ट करना है आपको, इसमें दिया गया पता, इसमें पोस्ट बॉक्स नंबर 128 पानीपत, हेड ऑफिस पानीपत हरियाणा, इस पर आपको सेंड कर देना है। और ये लास्ट डेट सेंड करने का है वो 1/2/2020 तक आपका वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। साथ में जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको लगा के इसमें सेंड कर देना है। अगर बात करें इसके इम्पोर्टेंट डेट की, तो इसमें दिया है कि आपका जो ऑनलाइन स्टार्ट होगा फॉर्म फिल करना, वो 20/12/2019 यानी आज से स्टार्ट हो गया है। जो इसका लास्ट डेट है वो 17/1/2020 है, और जो ऑफलाइन जो इसका आपको फिल करके वो पहुंचाना है, आपको सेंड करना है पोस्ट ऑफिस के द्वारा, वो 1/2/2020 तक पहुंच जाना चाहिए। साथ में ये भी दिया गया इसका जो रिटर्न टेस्ट होगा वो 2/2/2020 को सैटरडे को होगा, और इसका जो रिजल्ट होगा वो 7/2/2020 तक इसका आउट हो जाएगा। तो ये था IOCL का आपका एप्लीकेशन फॉर्म। और जॉब से रिलेटेड अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।